एक ही काम करो, इसको प्रैक्टिकल अप्रोच से देखो। अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच से देखोगे तो बोर नहीं होगा। क्या होता है ना, कोई भी सब्जेक्ट को देखने का अप्रोच होता है, मतलब हम लोग का एक अप्रोच ऐसा होता है कि यार यार ये तो जीवन में कभी काम ही नहीं आएगा। जब आप किसी भी चीज को उस अप्रोच से देखते हो तो आपका जो उस चीज को पढ़ने का मन होता है वो आधा हो जाता है कि अरे यार जीवन में कभी काम नहीं आना है इसमें। लेकिन जैसे ही आपका अप्रोच चेंज होता है कि नहीं यार देखते तो है कि ये कैसे काम करता है, बिकॉज आज नहीं तो कल, कल मुझे जाऊं जाना है ऑडिट करना है, या मैं किसी बड़े कंपनी में एम्प्लॉय रहूंगा, हो सकता है मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रहूं, हो सकता है मैं सर्विस इंडस्ट्री में रहूं, हो सकता है मैं ऑडिटर हूं, मैं हर तरह की इंडस्ट्री को ऑडिट कर रहा हूं। अगर मुझे ये मॉड्यूल्स पता ही नहीं रहेंगे तो मैं इनका ऑडिट कैसे करूंगा? आप सोचो, आपने कभी सोचा व्हाई इंस्टीट्यूट इज सो मच बेंट टू टीच यू ऑल दिस? अब आपको लगेगा सर ईआईएस तो निकाल रहे हैं नए सिलेबस में से, दे आर नॉट रिमूविंग इट, दे आर पुटिंग इट इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। ईआईएस कहीं नहीं जा रहा, ईआईएस अलग अलग जगहों पर जा रहा है जहां पर वो होना चाहिए। सो द रीजन दे वॉन्टेड टू लर्न दिस इज बिकॉज वी शुड हैव एन ओवरऑल नॉलेज ऑफ हाउ आईएएस एंड आईटी वर्क्स। आज के डेट में आईएएस ऑडिटर इज इन इटसेल्फ अ फील्ड। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना यूज है एक सीए विद आईटी नॉलेज का मार्केट में, क्या डिमांड है, क्या नीड स्किल है। तो आप उसको प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ो, जितना जा रहा है उतना ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो वो चाहे फिर 5 पेज आप पढ़ पाए, 10 पेज पढ़ पाए, आधा घंटा ही पढ़ पाए तो आधा घंटा पढ़ो, चेंज द सब्जेक्ट। तुमको ट्रस्ट मी थोड़ी देर बाद उसमें इंटरेस्ट आएगा कि चलो ठीक है आगे क्या और क्या बताना चाहते हो। दोबारा ईआईएस पे आओ, 15 मिनट पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, 3 पेज पढ़ो, बंद कर दो। द मोमेंट तुम्हारे दिल में ऐसा आ रहा है कि आप मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इसको इमीडिएटली बंद करो, आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट डालो या दूसरा सब्जेक्ट डालो, डोंट वरी। अब आप सोचोगे सर लिंक टूट जाएगी, डोंट वरी, इट विल कम, इट विल ऑटोमेटिकली। फिर थोड़ी देर बाद आओ, बुक उठाओ, जो आपने 15-15 मिनट 2 बार पढ़ा है ना उसको एक बार जल्दी से गो थ्रू करो, याद करो कि हाँ ये पढ़ा था, हाँ इसने ये बोला था, इसने ये बोला था, फिर देखो आगे पढ़ने का मन कर रहा है। मन किया तो 2-3 पेज पढ़ लेना, नहीं किया वापस बंद करके रख देना। एंड लाइकवाइज करोगे ना धीरे 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 तुमको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, तुम्हारा री रीडिंग बार बार होगा तो तुमको पता रहेगा इस पॉइंट में इसके बारे में बात किया, इस पॉइंट में इसके बारे में बात किया, धीरे धीरे तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होगा। किसी भी चीज में इंसान को, ह्यूमन मेंटेलिटी है, आप याद रखना, किसी भी चीज में इंसान को इंटरेस्ट तब आता है जब वो उसमें जीत रहा होता है। आपने कभी सोचा आपको अकाउंट्स मैथ्स कॉस्टिंग में इंटरेस्ट क्यों आता है? बिकॉज एंड में बैलेंस शीट टैली होती है, एंड में यू गेट मैथ्स में एक रिजल्ट, ओके इज इक्वल टू दिस, एंड दैट इज अ लेवल ऑफ सक्सेस दैट यू गेट, दैट इज काइंड ऑफ एन अचीवमेंट कि यस मैंने अकाउंट मैच कर लिया, यस मैंने मैथ्स का फॉर्मूला सही सॉल्व किया, यस मैंने राइट कॉस्टिंग निकाला है, यस मैंने सही इनकम टैक्स का लॉ वहां पर अप्लाई किया है, यस मैंने करेक्ट प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट अप्लाई किया। जब तक आप उस सेंस ऑफ मिनी अचीवमेंट को ईआईएस में नहीं लाओगे आपको नहीं आएगा। सर ये मिनी अचीवमेंट कैसे आएगा? आस्क अ रैंडम क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी, एंड देन लेट्स फाइंड आउट हाउ मेनी कैन यू टेल। आप मे बी 2 बता पाएंगे, 3 बता पाएंगे, कोई बात नहीं, फिर आप वापस से जाइए पढ़ो एक बार, अरे यार ये कैसे क्या आदमी है, अरे कैसे है, अरे अरे कोई बात नहीं, पढ़ लिया खत्म, बंद कर दो बुक, पढ़ना नहीं है आपको, बैठ अपना रैंडम काम चालू करो। 1-2 दिन बाद दोबारा आस्क योरसेल्फ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वेब बेस्ड एप्लीकेशन एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, देखो कितने पॉइंट्स आप बता पाते हो। सी जिस दिन ऐसा होगा ना कि आपने अपने आप को क्वेश्चन पूछा और आपको सारे पॉइंट्स आ गए, दैट इज द डे वेयर यू विल फील लाइक अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, एंड दैट इज द डे दिस सब्जेक्ट विल डेफिनेटली बिकम इंटरेस्टिंग। उसको पढ़ाई बोल के मत पढ़ो यार, सच में बोल रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, इसको ना एक सब्जेक्ट है पढ़ना है ऐसा मत करो। चैलेंज योरसेल्फ विद द सब्जेक्ट, यू चैलेंज योरसेल्फ, यू आस्क सम क्वेश्चंस, गो थ्रू चार्ट्स। अब आप क्या करते हो, आप बैठ के से पढ़ रहे हो, से फॉर एग्जांपल बोर होगा, अब यहां बैठे कितने बच्चे हैं जो चार्ट्स बना रहे हैं, आज मैं एक सवाल पूछूंगा और इस सवाल का जवाब दिल खोल कर देना, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से अभी तक चार्ट्स बनाए क्या वो बच्चों को इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? आंसर इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। एक दूसरा सवाल, जिन बच्चों ने चार्ट बनाया, ध्यान से सुना, जिन बच्चों ने चार्ट बनाया क्या उनको उन चार्ट से बार बार पढ़ने का मन करता है कि नहीं? क्योंकि वो आपने बनाए हैं यार, दैट इज योर अचीवमेंट, दैट इज समथिंग दैट, ये किसी से कॉपी पेस्ट नहीं किया है आपने कि दूसरे बच्चे को उठाया छाप लिया, नहीं, ये आपकी मेहनत है, ये आप टेक्स्ट बुक पढ़े हो, एक एक पॉइंट पढ़े हो, फिर एक प्रॉपर चार्ट निकाला, फिर आपने डिसाइड किया कि इस पॉइंट के अंदर का ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फिर आपने वो लाइन उसके नीचे लिखा है, दैट इज योर अचीवमेंट, दैट इज योर गुड डीड्स। अब आपको किताब पढ़ने में मन नहीं लग रहा, अब आपका चार्ट पढ़ने का मन कर रहा है। ये जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, आपने हर कंसेप्ट का चार्ट बना बना के इतना सा बना दिया है, 10-15 पेज के ऊपर चार्ट बनेंगे नहीं, 20 पेज मैक्स उसके ऊपर चार्ट बनेंगे नहीं, और ईआईएस चुटकियों में रिवाइज होगा आपसे। बट कोई भी चीज मेहनत मांगती है, डेडिकेशन मांगती है,
और अगर आप वो मेहनत और डेडिकेशन करोगे, EIS विल रेप्लिकेट इट। लेट मी टेल यू, अगर आपने EIS को फोड़ दिया ना एग्जाम में, आपका पूरा ग्रुप निकल गया। इनफैक्ट यू विल गेट एक्स्ट्रा टू हेल्प यू इन ग्रुप वन आल्सो। सो भाई डोंट बी अफ्रेड ऑफ हार्ड वर्क, करो ईमानदारी से करो। और मैंने तो अपने लर्निंग लाइफ में एक चीज सीखी है, अगर तुम अपने आप को टॉर्चर करोगे तो तुमको पढ़ाई कभी फन नहीं लगेगा। टॉर्चर मत करो खुद को, ए यार आदर्श सर ने बोला है 2 घंटे कुछ भी करके ईआईएस पढ़ना है, सिस्टम ये टॉर्चर है। यहां तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, नॉलेज नहीं बढ़ रहा और तुम्हारे लिए सब्जेक्ट और नेगेटिव और बोर हो रहा है। जिस मोमेंट पे किसी भी सब्जेक्ट को लेके तुम्हारे जीवन में ये तारीख आ गई ना कि तुम्हारे को झपकी आ रही, ये किताब है बंद करो, साइड में रखो, दूसरी किताब उठाओ, पहले 15 मिनट जाओ जॉगिंग करो, एक जगह पे कूदो, पानी पियो, मुंह पे पानी मारो, फ्रेश हो, आओ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ, खटाखट 2 क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए, खुश हो गए, मन खुश हो गया, किताब बंद कर दो और तुरंत वही वाली किताब उठाओ जिसमें नींद आ रही थी, ओपन करो, 4 पेज पढ़ो। जैसे लगा कि फिर से हो रहा है कि मैं पहले 1 घंटा पढ़ रहा था तो 1 घंटे में मैंने 4 पेज पढ़ लिए, अब अगले 2 पेज के लिए फिर से 1 घंटा लग गया, बंद करो किताब, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कमोडिटी राइट नाउ? योर टाइम। टाइम से ऊपर कुछ है क्या? नहीं। अगर जिस मोमेंट में तुमको लग रहा है कि मैं इस सब्जेक्ट में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, उसी मोमेंट पे अपने आपको टॉर्चर करना बंद कर दो, सब्जेक्ट बंद करो, उठो, 2 मिनट भागो, कूदो, पानी मारो, मुंह पोछो, आओ दूसरा सब्जेक्ट लो, बैठ लो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरे को तो 15-15, 20-20 मिनट में हो रहा है, करो 20-20 मिनट में, 15-15 मिनट में। यार कोई भी चीज स्टार्ट ऐसी होती है ना, आज 15-15 मिनट में तुम लोग चेंज करोगे सब्जेक्ट, 20-20 मिनट में चेंज करोगे, आगे जाके वो हाफ एन आवर हो जाएगा, कुछ दिनों में 45 मिनट हो जाएगा, और कुछ दिनों में वो 1 घंटा भी हो जाएगा, 1.5 घंटा भी हो जाएगा, 2 घंटे भी हो जाएंगे, आपको पता भी चलेगा कि आप 2 घंटे से एक्टिवली एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आपको फोर्सफुली वो सब्जेक्ट बंद करना पड़ रहा है बिकॉज आपको दूसरे सब्जेक्ट को भी टाइम देना। जिस दिन ये दिन आएगा तो यू विल बी थैंकिंग मी। डोंट इरिटेट यूर सेल्फ विद स्टडीज, चैलेंज यूर सेल्फ विद स्टडीज। एक एम लेकर जब कोई आदमी चलता है ना कि मेरे पास प्लानिंग है, मेरे को ये पढ़ना है, आधे घंटे में मेरे को ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, पहले 20 मिनट थोड़ा ये देख लूंगा, फिर वो चार्ट गो थ्रू कर लूंगा, उसके बाद मैं करूंगा, आपका ब्रेन इतना ऑक्यूपाइड अगर है ना तो आपको ये बोर हो रहा, नींद हो रहा के लिए दिमाग में जगह ही नहीं, बिकॉज टाइम कहाँ है बोर होने के लिए, बोर होने नींद आने के लिए टाइम कहाँ है। देखो दो तरह से पढ़ाई आप कर सकते हो, ये जीवन में मैं एक ही बार समझाऊंगा, दोबारा नहीं समझाऊंगा, एक है विद प्लानिंग और एक है विदाउट प्लानिंग। विद प्लानिंग पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप विद प्लानिंग पढ़ रहे हो तो प्लान छोटे छोटे आवर्स का करो, हाफ आवर का करो इनिशियली या 1 आवर का करो कि जिसमें आपकी एफिशिएंसी फुल रहे, एंड देन चेंज द सब्जेक्ट। आपको ग्रुप 1 भी रिवाइज करना है तो आप ग्रुप 1 का भी रिवीजन कर सकते हो, उसके लिए भी आप दिन में टाइम डालो। आप ये भी कर सकते हो, ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट पढ़ा, ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट रिवाइज किया, ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट पढ़ा रिवाइज किया, उसको आप थ्योरी प्रैक्टिकल कर सकते हो। आपके क्लासेस अभी ज्यादा चल रहे हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट व्हेन क्लासेस आर नॉट देयर उस टाइम को आप इस तरह यूटिलाइज करो। आपके पास करने के लिए इतनी चीजें ना ब्रो, आपके पास इनफैक्ट बोर होने के लिए टाइम ही कहां बचा, आप बताओ कहां है? यस, बिकॉज यू हैव समहाउ आपने ऑडिट को अपने रियल लाइफ से जोड़ा है, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप सोचते हो कि नहीं यार मैं भी जाऊंगा एक दिन ऑडिट करने, है ना? तो जब आप वो ऑडिट करने जाओगे ना बेटा, अब मेरा सेंटेंस ध्यान से सुनना, वो ऑडिट आप सिस्टम पे बैठ के करोगे, किताब हाथ में लेकर, बस इतना समझ गया ना जिस दिन कि अगर मुझे ERP ही नहीं आया तो ये ऑडिट का मेरा पूरा नॉलेज गोबर हो गया, गोबर। बिकॉज मेरे को कोई सामने लाकर किताबें नहीं देने वाला, मेरे को मेरे सामने आएगी बुक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, SAP दिया जाएगा, ERP दिया जाएगा, Oracle आएगा, Finacle आएगा, Tally ERP 9 आएगा, QuickBook Intuit आएंगे, उसके अंदर मुझे समझना है, देखना है मॉड्यूल्स क्या होते हैं। आप देखो ऑडिट और EIS इज कनेक्टेड। इनफैक्ट CA पैनल में एक सब्जेक्ट हुआ करता था इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट, उसको बोलते थे इसका, That was my favorite subject again. I scored amazing in that also. So information system and audit, they are connected. So if you are finding audit interesting, understand all that knowledge is useful only to understand system. Otherwise, waste. Is it that simple? You will get it. Yes. Planning. अगर आपके पास planning नहीं है ना, सबसे बड़ा problem वही है. Planning के बिना मत पढ़ना. So आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अपने आप को irritate नहीं करना है पढ़ाई से. अपने आप को challenge करना है. लेट्स सी मैं रात में 10 तक पढ़ सकता हूँ, लेट्स सी मैं सुबह उठ के जल्दी पढ़ सकता हूँ, लेट्स सी कैन आई मेक चार्ट्स देन एंड देयर ऑन द सेम डे। लेट्स चैलेंज योरसेल्फ दैट आई विल नेवर कीप एनी बैकलॉग, लेट्स चैलेंज दैट आई विल गिव आंसर्स इन क्लास। अगर आप उसको गेम बना दोगे तो गेम में विनिंग और लूजिंग होगा, मुझे विनिंग और लूजिंग से कोई लेना देना नहीं, बट इन एवरी गेम देयर इज अ फाइट।
मुझे उस फाइट से लेना देना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप गेम खेल के हार जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा आप गेम खेल के जीत जाओ, मुझे फर्क पड़ेगा अगर आप गेम ना खेलो तो, अगर आप फाइट ना मारो तो आप हारे, अगर आप फाइट मार के हार रहे हो तो मैं हार को हार नहीं कहूंगा, ये बात याद रखना। जिस दिन आप फाइट मारे बिना हार गए ना, गिव अप, खत्म। मेरे लिए जीतने और हारने से ज्यादा फाइट करना इंपॉर्टेंट है। फाइट मारो, प्रूव योर सेल्फ नॉट ओनली टू अदर्स बट प्रूव योर सेल्फ टू योर सेल्फ फर्स्ट, कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं, कि मुझसे अच्छा कोई और नहीं जानता, मुझे क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है उस पर मेरा कंट्रोल होगा और मैं फाइट करके उसको अपने मन लायक चेंज करूंगा, ये एटीट्यूड से आप पढ़ो। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड लॉट्स ऑफ लव, प्लीज कीप ऑल माय टीचिंग्स इन माइंड एंड चैलेंज योरसेल्फ, गिव अप, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, सेंडिंग ऑफ यादव जोशी, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर।